स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, मैं प्रेस के मित्रों कहता हूं तो ये मुस्कुराते हैं। आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और अब हम महाराष्ट्र में हैं। तकरीबन 65 दिन हम चले हैं और ये श्रीनगर तक यात्रा जाएगी। 3,600 किलोमीटर चलेगी और इसमें लाखों लोग चल चुके हैं और लाखों और लोग चलने वाले हैं। यात्रा का लक्ष्य जो देश में नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है और डर फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ खड़ा होना, उसके खिलाफ हमने यह यात्रा शुरू की। देखिए, आरएसएस बीजेपी का तरीका क्या करते हैं, वो सबसे पहले वो समाज में डर फैलाते हैं। लोग सोचते हैं कि बीजेपी और आरएसएस नफरत फैलाते हैं, मगर नहीं, पहले वो डर फैलाते हैं और डर को नफरत में बदलते हैं। डर कैसे फैलाते हैं? सबसे पहले जो इस देश को भोजन देता है, देश का किसान दिन भर 24 घंटा काम करता है। यात्रा में हम 6 बजे शुरू करते हैं, हिंदुस्तान का किसान 4 बजे काम शुरू करता है और कोई 4 बजे शुरू नहीं करता है और कोई 4 बजे काम शुरू नहीं करता है, हिंदुस्तान का किसान 4 बजे काम शुरू करता है। तो सबसे पहले ये लोग हिंदुस्तान के किसान के दिल में डर भरते हैं। कैसे भरते, मैं बताता हूं। सबसे पहले किसान को सही दाम नहीं देते। किसान 24 घंटा काम कर ले, कोई भी चीज उगा ले, कपास उगा ले, गेहूं, गन्ना, जो भी, मगर ये सरकार उसे सही दाम नहीं देगी। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका, आपसे बीमा का पैसा भर लेती है। लेती है नहीं लेती है? लेती है ना, ठीक है। आप पैसा देते हो, पहले सरकारी कंपनी को देते थे, अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में प्राइवेट कंपनी को देते हो। सही बोला, गलत बोला? सही बोला। अब आप हिंदुस्तान के किसान हजारों करोड़ रुपए, अपना खून पसीने का पैसा बीमा में देते हो। आंधी आती है, बारिश होती है, तूफान आता है, आपको अपना ही पैसा नहीं मिलता। सही बोला, गलत बोला? तो हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के किसान के जेब में से निकाले जाते हैं और सीधा प्राइवेट कंपनी वालों के जेब में डाले जाते हैं। आपसे कहा जाता है कि तूफान आएगा, आंधी आएगी,
आपका खेत बर्बाद होगा, फसल बर्बाद होगी, तो बीमा का पैसा मिलेगा, पता लगता है एक रुपया नहीं मिलता। सड़क पे मुझे यही किसान बोल रहे हैं, जो भी किसान मेरे पास आता है मैं कहता हूं उसे, भाई बीमा का पैसा भरा? हाँ भरा। जब आपका नुकसान हुआ पैसा वापस मिला? नहीं मिला। दूसरा डराने का तरीका ये, तीसरा तरीका, जब आपको फसल बेचने का समय आता है, हिंदुस्तान की सरकार एक्सपोर्ट बंद कर देती है, इंपोर्ट चालू कर देती है। बात समझ आई? समझ आई? तो आपका जो दाम होता है वो गिरता है, खरीद लेते हैं। तीसरा तरीका, चौथा तरीका, हिंदुस्तान के अरबपतियों का ये, दो मिनट में कर्जा माफ कर देते हैं, मगर हिंदुस्तान के हजारों किसान आत्महत्या कर दे आपका कर्जा माफ नहीं हो सकता। चौथा तरीका। तो किसान के दिल में ऐसे डर बढ़ते, एक तरफ नरेंद्र मोदी भाषण करेंगे, दूसरी तरफ आपकी जेब में से पैसा निकलेगा। पांचवा तरीका, डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कुछ भी हो जाए, पेट्रोल के दाम गिरे, डीजल के दाम गिरे, तेल के दाम गिरे, हिंदुस्तान में नहीं गिर सकते, कभी नहीं गिर सकते एनडीए की सरकार में। प्रधानमंत्री जी आते थे कहते थे, यूपीए के समय कहते थे 400 रुपए सिलेंडर के हो गए, शर्म करो। आज रेट क्या है? 1000 रुपए हो गए ना, 1200। आज शर्म की बात क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री? और ये जो भाइयों और बहनों, ये जो 400 रुपए सिलेंडर मिलता था और आज जो ये 1200 का हो गया, आपने कभी सोचा ये जो पैसा आपकी रसोई में से छीना जा रहा है, ये जा पा रहा है, ये सोचा आपने? नहीं सोचा। ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों में जिम्मेदार है सीधा। ये नाम ले लिए, देखो नाम ले लिए, पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो किसान को ऐसे डराते हैं। अब चलिए छोटे दुकानदार की बात करते हैं, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस की बात करते हैं, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जो इस देश को रोजगार देते हैं। ये जो अरबपति है दो तीन, जिनके आपने नाम लिए, दो तीन नहीं, मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया था, हम दो हमारे दो, दो सरकार में है और दो बाहर है, चार लोग हैं। ये देखो इन्होंने बोला दो सरकार में दो बाजार में। तो छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले देश को रोजगार देते हैं। कोई 200 युवाओं को रोजगार देता है, कोई 400 को, कोई 500, कोई 1000 को, कोई 2000 को, और ऐसे हिंदुस्तान में लाखों बिजनेस हो गए, लाखों छोटी छोटी दुकानें। अब प्रधानमंत्री जी ने मन बना लिया है कि ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं ये सब बंद हो, और इनके बजाय दो तीन अरबपति लाखों दुकानें लगाएंगे। और प्रधानमंत्री ने मन बना लिया है कि हिंदुस्तान का जो छोटा व्यापारी है, स्मॉल और मीडियम बिजनेस इसको हम कहते हैं, उन सबको खत्म करना है।
दुकानें, उनके व्यापार, उनके बिजनेस बंद करने हैं। तरीका क्या है? नोटबंदी और जीएसटी, नोटबंदी और जीएसटी। भाइयों बहनों, ये पॉलिसी नहीं है, ये हथियार है। ये छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को मारने के हथियार है ये दो। क्यों? डर पैदा करना। क्यों? नफरत चाहिए, देश को बांटना है, देश में हिंसा फैलानी है और जनता का ध्यान असली मुद्दों पर नहीं आने देना। हिंदुस्तान में एक ही असली मुद्दा है भाई और बहनों। मैं सड़क पर चल रहा हूं, एक ही मुद्दा है, छोटा व्यापारी, मजदूर, किसान, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले सब के सब एक ही चीज की बात करते हैं। हर माता पिता चाहता है कि उसके बच्चों को रोजगार मिले। ये एक ही मुद्दा है हिंदुस्तान में, और कोई मुद्दा नहीं है। इसकी बात नहीं करेंगे। ये सब जो माल आता है, ये जो टेलीविजन कैमरा है, आपके जेब में मोबाइल फोन है, ये शर्ट जो पहने हो, कहां से आता है? फोन को घुमाओ, उसके पीछे पड़ो। कहां से आता है? चाइना से आता है। जब चाइना से यहां आता है, फायदा किसको होता है? चाइना को होता है, और किसको होता है? जो लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचते हैं उनको होता है। चाइना को जरूर होता है, मगर जो लोग चाइना का माल यहां बेचते हैं उनको भी होता है। चाइना के लोग तो यहां नहीं बेच रहे ना। आपको चाइना के लोग दिख रहे हैं हिंदुस्तान में चाइनीज माल बेचते हुए? देखा आपने कभी? ना। हिंदुस्तानी लोग ये बेच रहे हैं। मेरा कहना क्या है, ये फोन के पीछे मेड इन चाइना नहीं होना चाहिए। ये फोन के पीछे मेड इन इंडिया, मेड इन महाराष्ट्र, मेड इन नासिक, ये होना चाहिए। मेड इन औरंगाबाद, और बोलो हिंगोली, नांदेड़। मैं तो चाहता हूँ चाइना का युवा ऐसे अपना फोन देखे, उसके पीछे घुमाए, देखे मेड इन हिंगोली, ये क्या भाई जब पहुंचे रहे। मोदी जी क्या चाहते हैं? मोदी जी चाहते हैं मेड इन चाइना। क्यों? क्योंकि 2-3 अरबपतियों को फायदा हो रहा है, 2-3 अरबपतियों का फायदा हो रहा है। भाइयों बहनों, बात समझो, ये फोन हिंदुस्तान में किसने बेचा है? किसने बेचा है? भाइयों बहनों, पहले नाम दिया था आपने, हाँ। तो ये आपका ध्यान हिंसा, धर्म, जात इधर उधर डालते हैं, मगर इससे आपको भविष्य में कुछ नहीं मिलने वाला। हिंदुस्तान का युवा रोजगार चाहता है। सड़क पे हर युवा मुझसे यही कहता है, अभी 100 गज यहां से 100-200 गज पहले लड़की आई, कहती है राहुल जी मैंने हाईस्कूल खत्म कर दिया, कॉलेज जाना चाहती हूँ, मैं नहीं जा सकती। मैंने पूछा क्यों? सरकारी कॉलेज है ही नहीं, सब प्राइवेट है, लाखों रुपए देने मैं नहीं दे सकती, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं, क्या करूं? एक नहीं है भाई, ऐसे करोड़ों युवा हिंदुस्तान में, करोड़ों है, और ये सब के सब अगर इनसे काम निकाल लिया, ये चाइना को पटक फेंक देंगे, 2 मिनट नहीं लगेगा।
अगर इनको चांस नहीं दिया जाता, शिक्षा का सिस्टम देखो पूरा का पूरा प्राइवेट कर दिया, अस्पताल जाना पूरा का पूरा प्राइवेट कर दिया, रोजगार चाहिए नहीं भैया आपको नहीं मिल सकता, सिर्फ दो तीन अरबपति है पूरा पूरा हिंदुस्तान पूरे सब मिलेगा आपको नहीं मिल सकता, आपका ध्यान सिर्फ धन जात इन चीजों पर रखेंगे। आपको सही कहना चाहिए हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, ये बिजनेस वालों की जिम्मेदारी नहीं है, उनका काम नहीं है, ये कर सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूं, मगर ऑप्शन तो होना चाहिए, गरीबों के लिए कोई ना कोई ऑप्शन तो होना चाहिए, अगर गरीब बच्चा लाखों रुपए नहीं दे सकता कहां जाए वो क्या करे। अच्छा पहले एक और रास्ता हुआ करता था जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते थे, BHEL, HEL, भारत पेट्रोलियम, आप नाम जानते हो, रेलवे सबसे बड़ा रेलवे, अभी क्या कर रहे हैं वो भी रास्ता बंद कर रहे हैं, रेलवे से प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया, BHEL के सबके सब एक के बाद एक, ये भैया आपकी पूंजी है, ये आपके हीरे हैं, ये आपने बनाए हैं। अच्छा मैं नई चीज चालू की है अग्निवीर योजना सुना आपने, अब आप इसको समझो, जो जवान होता है मेरे साथ चले, मैंने उनसे पूछा भैया बताओ अग्निवीर के बारे में बताओ, मुझे कहते हैं राहुल जी देखिए जो सेना में जाता है, एयरफोर्स में जाता है, नेवी में जाता है, BSF में जाता है, CRP में जाता है, वो अपनी जान देश को देने के लिए जाता है, वो फ्री में नहीं जाता। ये पुलिस वाले हैं, CRP के लड़के यहां खड़े हैं, ये अपनी जान देने के लिए खड़े होते हैं, पुलिस में इतना रिस्क नहीं होता मगर आर्मी में रिस्क होता है। उन्होंने मुझे बताया देखिए आर्मी का फर्ज, जब एक व्यक्ति कहता है मैं इस देश के लिए मरने के लिए तैयार हूं, तो आर्मी का फर्ज, नेवी का फर्ज, एयरफोर्स का फर्ज उसको टॉप क्वालिटी की ट्रेनिंग देने का होता है, राइट? क्योंकि अगर आपने जवान को सही ट्रेनिंग नहीं दी और उसको लड़ाई में डाल दिया, उसका नतीजा आप समझ सकते हो, राइट? राइट? अब उन्होंने कहा देखिए आर्मी में कम से कम ट्रेनिंग 7-8 साल में जवान तैयार होगा, 4 साल की ट्रेनिंग में जवान तैयार ही नहीं हो सकता। और 6 महीने की ट्रेनिंग में अगर आप हिंदुस्तान के जवान को युद्ध में भेज रहे हो तो आप उसके साथ अन्याय कर रहे हो, क्योंकि जब वो जाएगा, जब वो युद्ध में जाएगा 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद, और उसके दूसरी तरफ चाइना के जवान को 7-8-10 साल की ट्रेनिंग होगी, तो नतीजा आप सबको मालूम होगा।
कि हिंदुस्तान के एक सर्विसमैन एस एक सर्विसमैन ने मुझे बताया। दूसरी बात बताई कि आप पहले आर्मी में किसी को भेजते थे, वो जिंदगी भर सर्विस करता था, वापस जब वो समाज में आता था, गांव में, तो वो गांव को, समाज को रास्ता दिखा सकता था। मतलब उसमें एक वजन होता था। आप जानते हो आपके गांव में जो एक सर्विसमैन होते हैं उनमें वजन होता है, होता नहीं होता है? होता है। क्यों होता है? क्योंकि 15-20 साल उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए के देश को दिए, इसलिए उनमें वजन होता है और उस वजन से समाज का फायदा होता है। ये भैया मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक आर्मी वालों ने मुझे इस सड़क को बताया। तो उन्होंने कहा कि अग्निवीर से हिंदुस्तान की सेना और हिंदुस्तान की सेना का जो मोराल होता है उसको नुकसान होगा और हिंदुस्तान की सेना को चोट पड़ेगी। तीसरी बात कही, आप लाखों युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हो, लाखों युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हो। पहले आप उन व्यक्तियों को, उन युवाओं को जॉब सिक्योरिटी देते थे, उनसे कहते थे देखो भैया ये आपकी ट्रेनिंग है, आप ट्रेनिंग करो और फिर 20-25 साल आपकी जिंदगी का गारंटी। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप लाखों युवाओं को हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हो और फिर उनसे कह रहे हो भैया आप 4 साल सर्विस करो और फिर वापस गांव में जाओ, और जब वो वापस गांव जाएंगे आप उनसे कहोगे भैया देखो हिंदुस्तान में हम आपको रोजगार नहीं देंगे। क्या होगा? क्या होगा? बेरोजगारी होगी। और क्या होगा? हाँ, तो क्या बोला? तो क्राइम बढ़ेगा। तो ये नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? ये समाज में डर, नफरत, हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे नोटबंदी हो, चाहे अग्निवीर हो, चाहे जीएसटी हो, इनकी सब पॉलिसियां एक ही काम करती है, हिंदुस्तान की के लोगों को डराने का काम करती है। जो डरता है वो बढ़ता है, जो डरता है उसके दिल में नफरत पैदा होती है, समाज बढ़ता है और फिर कहते हैं भैया हम देशभक्त हैं। तो किसान का कर्जा माफ नहीं करना देशभक्ति, नोटबंदी देशभक्ति, गलत जीएसटी देशभक्ति, किसान का कर्जा नहीं माफ किया देशभक्ति, देश में नफरत फैलाना देशभक्ति, किसान के काले कानून देशभक्ति, बेरोजगारी देशभक्ति, महंगाई देशभक्ति, ये बात बोली ये हिंदुस्तान की देशभक्ति नहीं है, ये आरएसएस की देशभक्ति है। तो इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। हम आपसे कहना चाहते हैं डरो मत, ये शिवाजी महाराज का देश है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का देश है, इसमें आपको नहीं डरना, कुछ भी हो जाए नहीं डरना। और अगर आप डरोगे नहीं,
आपके दिल में नफरत नहीं पैदा हो सकती, और अगर आपके दिल में नफरत नहीं पैदा होगी, हिंसा पैदा नहीं हो सकती। और देखिए मजे की बात बताता हूं, यात्रा सुबह 6 बजे शुरू होती है, 6 बजे। आज हम 25 किलोमीटर चले हैं, मैं 6 बजे उठा और अभी नहीं 5:20 को उठा मैं, अभी 7:30 हो गए हैं। मेरे चेहरे पे आपको थकान दिख रही है? मैं थका हुआ दिख रहा हूं? ये पटोले जी थके दिख रहे हैं? ये देखो मुस्कुरा रहे हैं, थके दिख रहे हैं? ये हो क्या रहा है? ये हम 1800-1900 किलोमीटर चल रही है, 65 दिन चल रही है, 7-8 घंटे, कोई थकान नहीं। क्यों नहीं? वो छोड़ो, मगर थकान क्यों नहीं? क्योंकि ये जो शक्ति है ना, ये हमारी नहीं है, ये आपकी है। जब भी थोड़ी सी थकान होती है, आप इतना सा प्यार दे देते हो, थकान कम हो जाती है। तो मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। ये जो 3500 किलोमीटर है, ये हम 3500 किलोमीटर नहीं चल रहे, ये ऐसे लग रहा है कि हम 5 किलोमीटर चल रहे। आपकी देन है, आपकी देन है, आपका प्यार है, आपका भरोसा है। इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी बात मैं आपसे कहूंगा, जो आपके आपके सबसे महान नेता ने आपसे कहा और आपको दिखाया, सिर्फ कहानी बहुत लोग कहते हैं मगर करके दिखाया, डरो मत किसी चीज से, नहीं डरो।